हेलो दोस्तों, द नेक्स्ट प्लैनेट लॉजिकल में आपका स्वागत है। और आज 14 फरवरी 2020, और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाया हूं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात जो कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में कावेरी डेल्टा क्षेत्र की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा आंसर सी, तमिलनाडु। और इस वीडियो को मैं बीच में एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर ना भूले। और संग में मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका आंसर पहले से पता था तो ये आपके लिए एक तरह से एक रिविज़न या एक तरह से एक नया प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रॉड 500 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आंसर डी, ईरान ने। चलिए बढ़ते हैं अब आगे इससे। हाल ही में एलन बॉर्डर मेडल किसने जीता है? तो यह जीता है सी, डेविड वार्नर ने। और डेविड वार्नर का यह तीसरा बार यह खिताब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी संघ शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, इथियोपिया में। आज का अगला क्वेश्चन है कि पूरे भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत किस दिन को हुई है, किस दिन को यह शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 फरवरी, यानी कि आंसर होगा इसका बी। उन्नीसवें हुनर हाट का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आंसर है आंसर सी, इंदौर में। हमारा आज का सातवां क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार दिसंबर 2019 में भारतीय कंपनियों की विदेशी उधारी में कितनी गिरावट आई है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, 45%। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका होगा डी, त्रिपुरा में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा स्टेशनों को चार्ज करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को कैसे मंजूरी दी गई है? सॉरी, यह क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत टाइप कर दिया है। इसमें होगा कि कैसे मंजूरी नहीं हो, कितने स्टेशनों की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डी, 2636। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल प्रोडक्टिव डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 12 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, 11 फरवरी को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की नव विकसित सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल प्राशन की स्ट्राइक रेंज क्या है? एक मिसाइल जिसका नाम है प्राशन, उसकी स्ट्राइक रेंज क्या है? तो उसकी स्ट्राइक रेंज जो है वह है सी, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जफर उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, ईरान ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका आंसर होगा ए, आदित्य मेहता ने। तो दोस्तों, यह थे 14 क्वेश्चंस जो कि आज 14 फरवरी 2020 को मैंने आपसे डिस्कस किए। और यह क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे टॉप लेवल्स के थे जो कि आने वाले एग्जाम से पूछे जाने की पूरी संभावना हो सकती है।
तो अंत में मैं आपसे दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि द नेक्स्ट प्लैनेट लॉजिकल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली दुनिया में जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तब तक के लिए थैंक यू।